हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्लम के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि है एवरग्रीन, जो किसी भी सीजन में आप यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन जो ऑयली है या फिर नॉर्मल स्किन है या फिर ड्राई स्किन है, स्किन के ऊपर एक्ने है, पिंपल है, पिगमेंटेशन है और स्किन थोड़ी सी डल रहने लगी है, स्किन के ऊपर ग्लो नहीं है, रिंकल्स हैं, हर तरह का उपाय कर लिया है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि स्किन को कैसे ठीक करें, तो मेरे पास है उपाय आप लोगों की स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। आज मैं आप लोगों के साथ में प्लम के कुछ प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी जो कि ब्रांड ने मुझे सेंड किए थे, और मैं इसलिए शेयर नहीं करूंगी क्योंकि ब्रांड ने मुझे सेंड किए हैं, जस्ट बिकॉज मैं ये प्रोडक्ट्स खुद पर्सनली यूज करती हूँ एंड ये काफी अच्छे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, तो इसीलिए मैं इन प्रोडक्ट्स को आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं मुझे क्या क्या चीजें रिसीव हुई है। तो ब्रांड ने मुझे तीन चीजें सेंड की हैं। सबसे पहला है प्लम का सैफ्रन फेस वॉश। इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी है गाइस, ट्रस्ट मी, आप इसके रेगुलर यूज के साथ अपने फेस के ऊपर बहुत अच्छा ग्लो पाएंगे। इसके अंदर ग्लिसरीन है, B5 है जो आपकी स्किन को ओवर ड्राई ना करके उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करता है एंड जो एक नेचुरल ऑयल है आपकी स्किन का उसको इंटैक्ट करके रखता है। अगर आपके फेस के ऊपर डलनेस है एंड पिगमेंटेशन है, अगर आप चाहें उससे परेशान हैं, आप चाहते हैं कोई अच्छा फेस वॉश यूज करना जो आप मॉर्निंग में एंड नाइट टाइम जो आपका स्किन केयर रूटीन होता है उस टाइम पे आप यूज करें, तो आप डेफिनेटली प्लम का ये सैफ्रन फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड एंड अफोर्डेबल फेस वॉश एज वेल। सेकेंड प्रोडक्ट जो ब्रांड ने मुझे सेंड किया है वो है प्लम का ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर मैंने लाइक 3-4 साल तक रेगुलर यूज किया है, बहुत ही अच्छा है। अब इतनी वीडियोस देखने के बाद आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि मेरी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, अगर मैं कुछ ना लगाऊं तो मुझे ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है एंड अगर कुछ नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगा लूं तो बहुत ज्यादा फेस थोड़ी देर में ऑयली हो जाता है, तो उस सीन में मुझे मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। जब से मैंने ये यूज किया है मैं इसी को यूज कर रही हूँ बिकॉज ये डेफिनेटली मैटिफाइंग है। अभी भी मैंने यही अप्लाई किया हुआ है एंड ये फेस वॉश मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ अपार्ट फ्रॉम द होममेड रेमेडीज जो मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज करती हूँ। तो ये फेस वॉश एंड ये जो मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर है अपार्ट फ्रॉम द नाइट जेल जो मैं अभी आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है मेरी स्किन के ऊपर टचवुड काफी अच्छा शो कर रहा है एंड ये तीनों के कॉम्बिनेशन को अप्रॉक्सीमेटली 10-15 डेज यूज करने के बाद मैं आप लोगों के साथ में इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने जरूर 3-4 साल यूज किया है बट ये जो फेस वॉश है एंड नाइट जेल है ये मुझे अभी रिसीव हुए हैं, तो ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ये स्किन के ऊपर काफी अच्छा इफेक्ट दे रहा है, तो मैं आप लोगों को इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ। मौसम भी चेंज हो रहा है तो आपको अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं थोड़े से चेंज करने चाहिए एंड देन आप जज करिए कि आपके स्किन को कौन से प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं। ऑयल कंट्रोल करता है, सिलिकॉन फ्री है, नॉन शाइनी फिनिश देगा आपके फेस को एंड ऑयली स्किन वालों को जो प्रॉब्लम होती है जैसे मुझे भी होती है कि थोड़ी देर बाद लाइक मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के थोड़ी देर बाद फेस ऑयली हो जाता है, टी जोन एरिया एंड ये चीक्स वाला जो एरिया होता है इसको यूज करने के बाद वो दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट छोटू सा प्रोडक्ट जो मुझे रिसीव हुआ है वो है ग्रीन टी का ओवरनाइट रिन्यूड क्लैरिटी जेल। जैसा कि इसका नाम है ये वही काम करता है, आपके जो पिगमेंटेशन है या फिर जो छाइयां हैं या जो एक्टिव मार्क्स हैं या अगर कोई एक्टिव पिंपल भी है तो इसकी मदद से आप उसे काफी हद तक कूल डाउन करके मिनिमाइज कर सकते हैं। रात में आपको अपना फेस वॉश करना है यूजिंग द सैफ्रन एंड पपाया ग्लो ब्राइट फेस वॉश। इसको यूज करने के बाद में अच्छे से अपने फेस को 2 मिनट्स तक इससे मसाज करने के बाद आप अपने फेस को वॉश करिए ढंग से एंड देन आप ये जो रिन्यूड नाइट जेल है इसको अप्लाई करिए अपने फेस के ऊपर, अच्छे से अपने फेस को 1 या 2 मिनट्स की जो मसाज होती है आपके जो टॉप पॉइंट्स हैं इनको मसाज करिए, अनड्राई पे मसाज करिए, आईज के ऊपर करिए एंड पूरे फेस को अच्छे से जो भी आपको लाइक यू नो थोड़े बहुत मसाज स्ट्रोक्स आते हैं नहीं भी आते हैं तो जैसे भी आप अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई करके हल्की सी मसाज देते हैं 2 मिनट्स तक अच्छी क्वांटिटी लीजिए इसकी एंड मसाज करिए एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप सो के उठेंगे आप देखेंगे आपकी स्किन प्लम्प हो रही है, आपके जो पोर्स हैं वो मतलब क्लोज हो रहे हैं, एकदम अच्छी सी शाइन है आपके फेस के ऊपर।
ये फेस वॉश सैफ्रन एंड पपाया के एक्सट्रैक्ट से बना है। इसके अंदर है विटामिन बी एंड ग्लिसरीन। ये स्किन को एनहांस करता है एंड ब्राइटन करता है। 100% वेगन है एंड इसकी क्वांटिटी 100 ml है। इसकी प्राइस है ₹249 जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। ऑल स्किन टाइप्स के लिए है एंड आपको मॉर्निंग एंड नाइट में इसको यूज करना है। प्लम का ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर है। इसकी क्वांटिटी है 50 ml। प्राइस है इसकी ₹470 जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है एंड ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसकी नहीं लेनी है। जस्ट वन पंप आपके पूरे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। ये देखिए कितना ज़्यादा क्वांटिटी है इसकी। सिर्फ वन पंप ये आपके नेक तक पे अप्लाई हो जाएगा। बहुत ही रिफ्रेशिंग सी स्मेल है इसकी। सिलिकॉन फ्री है, मैट फिनिश देता है, शाइनी फिनिश देता है एंड एक्ने को कंट्रोल करता है। उन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद आपको यूज करना है प्लम का ग्रीन टी रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल। इसकी कुछ क्वांटिटी लेके आपको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करनी है। बहुत ही अच्छा नाइट जेल है, स्किन को काफी अच्छा फील कराता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्किन एकदम ग्लो करने लगती है आपकी। तो आप इसको जरूर यूज करें एंड अच्छे से मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को फेस वॉश करने के बाद। तो गाइज ये तीन प्रोडक्ट्स थे जो मुझे रिसीव हुए हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो आप ज़रूर इनको यूज़ करिए एंड अपने जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।